हाय फ्रेंड्स, एक और गेम स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मोशन ग्राफिक्स के बारे में, ठीक है, कि किस तरीका से जो कि एक मोशन ग्राफिक्स को तैयार किया जाता है। तो आज है जो कि हम लोग 15 अगस्त के तैयारी के हिसाब से जो कि एक डिज़ाइन हम लोग लेकर के आए हैं और उसी हिसाब से जो कि हम कॉन्सेप्ट सोचे हैं और सारा कुछ है जो कि सोच करके और उस पर है जो कि सारा मैटर हम लोग लिया है, यानी कुछ ज़्यादातर मैटर जो कि हम लोग नेट से ही निकाले हैं। उसको जो कि कुछ एनिमेशन करके कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट कुछ टेक्स्ट कुछ इमेज को मिला करके इस तरीका से कि हम लोग जो कि एक मोशन ग्राफिक्स बनाने वाले हैं। इसमें जो कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो कि एक मोशन ग्राफिक्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप है जो कि इसको सीखेंगे, तो इसको है जो कि आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो कि काफ़ी कुछ जो कि आपको सीखने के लिए मिलेगा, काफ़ी कुछ जो कि आपको समझने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जो कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फोल्डर बना कर सब लिया है, कॉपी करके हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। अब इसे है जो कि हम लोग यहाँ पे सेट करें, ओके। इसको सेट कैसे करेंगे वो सब है जो कि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो यहाँ मीडिया सेक्शन से हम लोग एक ग्राउंड उठा लेते हैं, जैसे कि ग्राउंड उठा करके यहाँ पे रखेंगे। ये ग्राउंड आप ले करके, यानी तीन कलर का हम लोग लेंगे, एक ये कलर ले लेते हैं, एक व्हाइट ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं और तीनों को यहाँ पर सेट कर लेते हैं तिरंगा की तरह। डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पर है जो कि ट्रांसफॉर्म, इसके मदद से जो कि हम लोग इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ओके। या यहाँ से जो कि इसको हम लोग इसके ही अपने हिसाब से जो जितना ज़रूरत है इसको मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल है जो कि इसको नहीं होता तो हम लोग यहाँ से इसे इस तरीका से ऊपर में सेट करते हैं, ओके। तो इसे है जो कि थोड़ा सा हम लोग इतना पर रखते हैं, ओके। अब ग्रीन वाला को सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन वाला को जो कि यहाँ पर माइनस में ले जाएंगे, ओके। और इसे जो है यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीका से यहाँ पर सेट कर, ओके। इसे थोड़ा सा मैनुअल यहाँ पर सेट कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, और इसे जो थोड़ा सा हम लोग, ओके। ये है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर बराबर हो। तो आप इस तरीका से जो कि इसको बना लेना है। देखिए यहाँ पर है जो कि एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं था, इस तरीका का भी ग्राउंड था, है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे ला करके डायरेक्ट सेट कर सकते थे, मगर हम आपको यहाँ पे इसीलिए बताए हैं ये चीज़ करके कि यहाँ पे हम लोग का झंडे डायरेक्ट हम लोग का ये बनाने का ये नहीं है। हम लोग का सिर्फ है जो कि क्या टूल, इस हिसाब से जो कि हम लोग टूल समझेंगे कि इस प्रक्रिया से हम लोग और भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, वो ही उससे जो कि हम आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से फिट कर लिए हैं, ओके। ये है जो कि अपना ग्राउंड एक तैयार हो गया, रेडी हो गया मान लीजिए। इसको यहाँ से हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। उसके अलावा जो कि ग्रुप कर लिए हैं कि ये भी ग्रुप होता है, यहाँ पे ग्रुप कर लिए कि ये अब इधर उधर नहीं भागेगा, ओके। अब हम लोग को ऊपर में जितना भी लेयर आपको यहाँ पे चढ़ाना है, जितना टेक्स्ट चढ़ाना है, उस हिसाब से जो कि हम लोग यहाँ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद जो कि एक हम लोग फिर से ग्राउंड लेंगे, जो कि ग्राउंड हो यहाँ पे, तो इस तरीका के ग्राउंड ले लेते हैं, ओके। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीका के ग्राउंड ले लिया है। अब ये ग्राउंड पे है जो कि हम लोग अपने हिसाब से जो कि इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर से हम लोग मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया में आने के बाद जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ से आपको देखना है कि कौन सा क्या आप इस पर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको ले आते हैं और इसको यहाँ पर ला करके रख लेते हैं, और इसे है जो कि अपने हिसाब से डबल क्लिक करना और यहाँ से ट्रांसफॉर्म लेकर के उसके अपने हिसाब से को स्केल कर लेना जो आपको ज़रूरत है उस हिसाब से। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे इतना पे, और इसको फ़िलहाल अभी सेंटर में रखते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कि ब्लेंडिंग मोड इस पर अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर आ जाते हैं कंपोजिटिंग में, और यहाँ पर जो कि डार्क अप्लाई कर लेंगे नॉर्मल के जगह पर। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड के साथ है जो कि मिक्स हो गया। तो आप कभी भी जगह अगर व्हाइट का बैकग्राउंड रहे तो यहाँ पे डार्क के इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ब्लैक का रहेगा तो वहाँ पर जो कि आप लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, और इसके मदद से जो कि इसको हम लोग यहाँ पर एनिमेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर कस्टम एनिमेशन यहाँ पर हम लोग यहीं से जो कि मेन प्रक्रिया होता है, ये हो गया। और इसे जो कि यहाँ से हम लोग सेट कर देते हैं, और इसको है जो कि यहाँ से हम लोग इस तरीका से घसकाएंगे, यानी फ्रेम बाय फ्रेम आपको यहाँ पर है जो कि आपको बढ़ाना है, जितना पर आपको सेट करना उस हिसाब से आपको ये। फॉर एग्जाम्पल इतना दूर है, अब इतना दूर पर हम लोग एक जगह बना लेते हैं, अब यहाँ हो गया। अब यहाँ से जो कि इसको घसकाएंगे, घसका करके ये इतना मतलब कि फ्रेम पे ये इतना आ जाना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम बनाएंगे तो उसमें इतना आ जाना चाहिए, उसी हिसाब से जो कि इसको हम लोग घसकाएंगे। देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि अगर ये एक बार में यहाँ से जैसे इसको हम चलाते हैं तो ये एक बार में यहाँ आकर के स्टॉप हो जाएगा,
तो उस हिसाब से जो कि हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद है जो कि इसको हम लोग यहाँ से ओके करेंगे, और यहाँ से जो कि हम लोग एक और ले आते हैं मैटर, और इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये है, इसको छोटा कर लेते हैं, और इसे जो कि हम लोग इस पे रखेंगे, और इसे यहाँ से ये इसके साथ में यहाँ पे रख लेते हैं, ओके करते हैं। फिर से सेटिंग में यहाँ पे आ जाते हैं, एनिमेट में यहाँ पर अपना कस्टम करेंगे, अपने हिसाब से इसको खसकाएंगे, फिर से फ्रेम यहाँ से खसकाएंगे, और फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे, और फिर से लोग फ्रेम खसकाएंगे, मतलब आपको अपने हिसाब से इसको खसकाना है, उसी हिसाब से जो कि आपको इसको यहाँ से मूव कराना है, तो ये उसी हिसाब से जो कि आपको जहाँ पे मूव कराना उसी हिसाब से आपको बैलेंस मिला कर करना है। ओके, जैसे अब यहाँ पे आकर के ये स्टॉप हो गया, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं, ये बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको चला कर देते हैं, देखिए, तो इस तरीका से ये काम करता है, और इसी तरीका से जो कि आगे हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया। एक और मैटर ले आते हैं, इसको हम लोग यहाँ से फिर वहीं करेंगे, सेटिंग में चलेंगे, और यहाँ से जो कि नॉर्मल का जगह पर है जो कि यहाँ से डार्क कर लेंगे, ये यहाँ पे हो गया, और इसको छोटा करते हैं, ऊपर में ले चलते हैं, और यहाँ से कस्टम एनिमेशन करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ से जो कि फ्रेम, जैसे कि आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पर घसकाना है तो यहाँ पर थोड़ा सा घसकाएंगे, और उस हिसाब से जो कि इसको स्केल करेंगे, ओके। और यहाँ पर ला करके इसको सेट कर लिए हैं, अब देखिए एग्जैक्ट आकर बैठ जाता है, ऊपर से आता है बड़ा, नीचे आकर के छोटा हो जाता है, यानी जगह सेंटर पर बैठ गया। अब यहाँ पे जो कि एक एरोप्लेन है, फाइटर प्लेन मतलब इसको कह सकते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ से फ्रेम, और उस हिसाब से इसको हम लोग थोड़ा सा खसकाएंगे, मैनुअली इसको खसकाते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत कर रहा, और इसको यहाँ से यहाँ पर ले चलेंगे, उसी हिसाब से जैसे आपको फ्रेम घसकाना, फ्रेम के घसकाते घसका घसका करके उसी हिसाब से आपको इसको सेट करते हुए जाना है, ओके। यहाँ तक हम लोग का हो गया, फिर से यहाँ से ऐड करेंगे, अब यहाँ से जो कि ये बाहर जाएगा, यानी कि यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से ये बाहर आगे चल जाएगा, निकल जाएगा, तो ये तीन फ्रेम में जो कि इधर कर दिए हैं, ये देखिए, ओके। अब यहाँ से जो कि टाइटल डालेंगे, उसके लिए यहाँ से टेक्स्ट ले आते हैं, ये सबको डिलीट करते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, बाक में चेना किया, ओके, और इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे नीचे में सेट करेंगे, ओके, और इसे यहाँ पे फिर से एक यहाँ पर टेक्स्ट ले आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हम फास्ट कर दिए कि काफ़ी लंबा हो गया था वीडियो, तो थोड़ा सा हम फास्ट करके यहाँ पर जो कि इसको कर दिए, और इसे यहाँ पे आगे करते हैं, और इसे जो कि यहाँ से क्रॉप करेंगे, कस्टम क्रॉप करेंगे अपने हिसाब से, ये यहाँ पर हो जाता है, और इसको यहाँ पर सेट कर लिया, इसको यहाँ पर सेट कर लिया, और ये यहाँ पर इतना कम हो गया। अब ये है जो कि यहाँ पर 15 अगस्त हो गया, और ये यहाँ तक हम लोग का काम हो गया, देखिए, ओके, और इसे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और ये यहाँ पर सारा काम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ओके। ये अब यहाँ से जो कि इसको मतलब कि बाहर मतलब हटने का, इसको यहाँ से मतलब कि यहाँ पर तलक रुकेगा, उसके बाद फिर ये अपने जगह पे चल जाएगा जहाँ से ये आया था, उस हिसाब से जो कि यहाँ से अब इसको सेट बना देंगे, मतलब यहाँ से उसी तरीका से फिर लेंगे, ऐड करेंगे, फिर फ्रेम बढ़ाएंगे, फिर ऐड करेंगे, इसी हिसाब से जो कि इसको खसकाते हुए जाएंगे कि जिस हिसाब से ये आया था उसी हिसाब से जो कि यहाँ से ये जाएगा वापस, ओके। तो ये तीसरा फ्रेम में जो कि ये वापस चल जाएगा, तो थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं, सभी को उसी करना पड़ेगा, और इसको जो कि इधर से आया इधर चल जाएगा इंडिया को, ओके। यहां पर इसको भी उसी तरीका से ऐड करेंगे, तो इसको जो कि यहाँ से हम लोग इसको डिलीट करते हैं, और ये हो गया 5 minutes later, और ये यहाँ तक हम लोग का काम हो गया। अब इसको चला करके एक बार देख लेते हैं, तो ये जो कि बीच में रिकॉर्डिंग छूट गया था, इसी कारण से फोटो जब लगा रहे थे। अब यहाँ से जो कि थोड़ा सा और ग्राउंड यहाँ पे मैटर को डालते हैं और ग्राउंड बढ़ाएंगे,
यानी कि वीडियो का लेंथ बढ़ा रहे हैं। ए मेरे वतन के लोगो, ये यहाँ पे लगा लेते हैं, और यहाँ पे जय जवान जय किसान। ओके अब एक बार चलाते हैं। तो ये यहाँ तक हम लोग का काम ऑलमोस्ट डन हो गया। अब हम लोग को रह गया है यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे जो कि एलिमेंट डालते हैं, एक दो एलिमेंट इस पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे ला कर रखते हैं। ये जो यहाँ पे जो हम लॉक लगाते हैं, ये लॉक इसीलिए लगाते हैं कि ये यहाँ पे मतलब मैटर इधर से उधर भागे नहीं, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जो कि एलिमेंट आ करके सेट करेंगे हम लोग। एक सामने से एक फाइटर मतलब एक सामने से वो एरोप्लेन डाल दिए हैं कि नीचे से आता है एकदम ऊपर की तरफ। और इसको यहाँ पे लंबा सेट कर दिए हैं। Five minutes later. ऑलमोस्ट हम लोग का सारा काम हो गया। अब साउंड का काम रह गया। अब यहाँ पे हम लोग म्यूजिक बना करके यहाँ पे म्यूजिक का थोड़ा सा रीएडिट करके सेट करेंगे और उसी हिसाब से इसको सेट करेंगे यहाँ पे। ओके और ये मैटर पे यहाँ पे ला करके रखते हैं। थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दिए क्योंकि काफ़ी छोटा लग रहा था। फिर से देखिए उसी तरीका से पिक्चर को ला करके यहाँ पे एनिमेट यहाँ पे किए कस्टम। ऑलमोस्ट डन हो गया। और ये लगा करके यहाँ पर नीचे वाला साउंड को नहीं होगा तो बढ़ा देते हैं पूरा दिन, क्योंकि ये जब दे ही रहे हैं तो इसमें जो कि पूरा लास्ट लग के जो कि ये साउंड चल जाता है। ठीक है तो उस हिसाब से जो कि इसको तो नहीं होता तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिए हैं। फाइव मिनट्स लेटर ये जो कि फाइनल वीडियो यहाँ पे बन के आ गया है। अब इसको देखते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीका समझ में आओ किस तरीका से जो कि एक डिजाइन बनता है, किस तरीका से जो कि आप इसको बना करके यूज में ला सकते हैं। तो देखिए इसको क्या है कि आप बनाने से पहले कोई भी चीज़ जैसे ये जैसे हम बनाए इस पे और भी कुछ बन सकता है इस तरीका से, ठीक है ना। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सोच लेना, कॉन्सेप्ट सोच करके उसके बाद अगर आप इस पे काम करते हैं, इस पे वर्क करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और कम समय में जो कि ज़्यादा काम कर पाइएगा। ओके तो चलिए मिलते का अपडी में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो ला कीजिएगा, ज़्यादा अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते का अपडी में इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।